आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पे सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह उन झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देंगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिये, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पंछियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज़ को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज़ को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 3600 प्रकार की भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पे कुछ चींटियाँ घूम रही थी तो एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहाँ से जाने लगती है। राजा बैठा इन सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ, उस राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है, राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने जोरों से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना रानी समझते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि तिरियाहट और बालहट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी के तिरियाहट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पे सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो घंघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, वो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी पूरा रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, बिलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के बिलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाता है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ये होता है तिरियाहट। आपके इसी तिरियाहट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना बिलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके आपके राज के कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी के बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत हम पे भी आ सकती है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि यह विपत हम पे भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाले बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाले बात से पत्थर का हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, यहाँ से हम दूर चलें क्या। मोर मोरनी से कहता है कि हे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा।
अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुख से यह निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मुरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाया जाता, यह सोचकर वह ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताती, यही टेंशन रहता कि कहीं यह बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को ख़त्म कर दूं, तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा कराधरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को ख़त्म कर दें तो ये संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियाँ डर के मारे और बिल खोद के धरती के अंदर जाके छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि उन्हें जहाँ भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। अब जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वह घंघोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंधार भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई अन्न, इसीलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे कि हे चींटा चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है, जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने गौरव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वो सभी जीव जंतुओं का भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वो जिन भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी वह सक्षम था। उन पशु पक्षियों का वह रूप भी धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके यह इंसान बन जाता था, और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोड़ कर हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उनके पत्नी का, उनके रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनके पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप के भागीदारी है, इसीलिए आज वो भी पत्थर का बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद, श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनाई है, तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से ये खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वह चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है
तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब ये पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है लेकिन मेरा पैर इतना फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारे चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसीलिए उनका पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसीलिए उसका शरीर फटकर उतर जाता है, अलग हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए थे, वह बदसूरत हो गए थे, इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता, इसीलिए उसके आंखों से आंसू के धारा बह रहे थे। मोरनी मोर को धीरज रखवाती और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसुओं को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदैव बने रहे। इस आशीर्वाद के वजह से, अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप, इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है उसके आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुकती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पे आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। हम उम्मीद